Dear students, in investment analysis, present value has a pivotal importance, and we can do that by using integration. Let us see how we can do that. So, here we have the present value of cash flows, and the tool that we are going to use is integration. And in this, we have a symbolic representation in the beginning. सिम्बॉलिकली स्पीकिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ अ फर्म इज रिप्रजेंटेड बाई दिस एक फार्मूला हमें गिवन है और इस फार्मूले की कंपोजिशन ये है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाई यूजिंग दिस स्ट्रीम रेवन्यूज रेवन्यूज ओवर टाइम आर टी इस चीज़ को शो करता है कि कैसे ओवर टाइम रेवन्यूज के फ्लो आकर हो रहे हैं यहाँ पर मैं फ्लो का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट इज ओवर टाइम एंड वी आर कंसिडरिंग इट इन इन अ वेरी गुड सीक्वेंस सेकेंडली इसके अंदर एक एक्सपोनशियल एलिमेंट है जो कि इस चीज को शो कर रहा है कि देर इज अ डिक्लाइन बिकॉज इट्स एन एक्सपोनशियल डिके आप देख रहे हैं कि ई रेस्ट टू माइनस आर टी है तो दिस माइनस इज एक्चुअली गोइंग टू कॉज एन एक्सपोनशियल डिके एंड दैट इज एविडेंट बिकॉज जब हम प्रेजेंट uh, वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं विच इज डिक्लाइनिंग ओवर टाइम सो Uh, that the, these factors like time value for money among others is going to decline this value over time so its my lower upper limit here because we are talking about a starting point of the investment and the ending point of that so ye thi understanding of this formula per r t you have a function hedge you define kar hai cash flows over time care or t timesho r is the discount rate डिस्काउंट रेट आपको इलम है कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो जो डिस्काउंटिंग हम करते हैं उसके लिए हमें एक डिस्काउंट रेट चाहिए होता है सो so, वो डिस्काउंट रेट यहाँ पर आर से हम शो कर रहे हैं और ये जो एक्सप्रेशन है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसे हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सपोनशियल डिके का एक्सप्रेशन है और वो डिस्काउंटिंग के फैक्टर को जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बाकी फैक्टर्स उस चीज़ की उस रिसोर्स के वैल्यू को कम करती है वो नज़र आ रही है हम निकालना चाहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूस रेवेन्यू फ्लो लास्टिंग फॉर वाई एंड देर इज अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डी डॉलर्स पर ईयर एंड द डिस्काउंट रेट इज आर सो तीन वेरिएबल्स की बात हो रही है पहला है वाई ईयर्स के जो नंबर ऑफ ईयर्स हमने चूज किए हैं वो कुछ भी हो सकते हैं जनरली स्पीकिंग वाई है दूसरा ये है कि जो रेवेन्यूज हैं वो डी डॉलर्स हैं एवरी ईयर वी आर गेटिंग डी डॉलर्स ये भी कोई नोमेरिकल वैल्यू होगी और उसके बाद जो डिस्काउंट रेट हम यूज कर रहे हैं दैट इज आर विच इज डेफिनेटली इन परसेंटेज टर्म्स अब इसे हम आ, एक कंसोलिडेटेड एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर चलेंगे बिकॉज इसमें एक इंटीग्रल है एंड दैट कैन बी सॉल्व t इज इक्वल टू वाई एंड आर टी इज इक्वल टू डी ये वो वैल्यूज हैं जो कि हमने सब्सटीट्यूट कर दी क्योंकि पहले हमने टाइम को जनरली लिखा था अब हमने कहा कि टाइम की सर्टन वैल्यू है वाई और जो रेवेन्यूज हैं वो सर्टन वैल्यू डी है जो कि एवरी ईयर अकर कर रही है ये सब्सटीट्यूट करने के बाद जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है द फॉर्मूला विल लुक लाइक दिस जैसे कि लास्ट स्टेप है और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन की हुई है अपर लोअर लिमिट्स वैसे ही रिटेन की गई और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल जो रूल होता है वो हमने अप्लाई किया है और इसे अप्लाई करने के बाद वी कैन गेट दिस रिजल्ट आप इस चीज को याद कर सकते हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन कैसे की जाती है ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसे फर्दर हमने यहां पर आर uh, को एक्सट्रैक्ट कर लिए बाहर बिकॉज इट्स अफिशेंट एन डी टी ओवर डी टी शुड रिड्यूस टू वन इसलिए नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में आर बचेगा विद माइनस जो कि बाहर भी लिखा जा सकता है लेकिन जो डी टी ओवर डी टी है तो so आप देख रहे हैं डी टी ओवर डी टी वॉज कैंसल्ड आउट एंडियर माइनस आर आ गया डिनोमिनेटर में एंड इट केम आउट यहां पर आ गया माइनस डी ओवर टी डी ओवर आर राइट और यहाँ पर हमने इसको वैसे ही लिख लिया यहाँ पर हमने इन, इन लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जो कि हम हमेशा से करते आए हैं और इसे सॉल्व किया ये सोल्यूशन आपके लिए आसान होना चाहिए सिंपल अलजबरा है ये पावर इसकी जीरो रहेगी इसकी हम ऐसे लिख सकते हैं एनीथिंग रेस्ट टू द पावर जीरो इज वन सो हमारे पास जो अभी तक का रिजल्ट है वो ये आ गया सो so ये बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का एक मोर सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया फॉर्मूले का जिसमें हम वैल्यूज लगाकर इसे आसानी से हल कर सकते हैं ये है वो फार्मूला जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये वैल्यूज हैं ये ये बता रहा है कि जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है वो डिपेंड करती है एनुअल रेवेन्यूज पे और रेट ऑफ डिस्काउंटिंग पे और नंबर ऑफ ईयर्स पे ना नुमेरिकल करने से ये बात मज़ीद क्लियर होगी वो कह रहा है कि रेवेन्यू फ्लो पर ईयर है थ्री थाउजेंड और जो हमारे पास डिस्काउंटिंग रेट है वो पॉइंट ज़ीरो सिक्स डेट इज़ सिक्स परसेंट इन अदर वर्ड्स और नंबर ऑफ ईयर्स की जो हमने लिमिट लगाई है वो है टू तो यहाँ पर हम वो वैल्यू सब्सटिट्यूट करने जा रहे हैं फॉर्मूला ये था जो हमने लास्ट स्टेप में डिवाइस किया था डी की वैल्यू हम लगा सकते हैं यहां पर आर की वैल्यू भी आ गई वन रिमेन द सेम और ये जो आर है उसकी वैल्यू ये आ गई वाई जो है हमारे पास वो ये आ गया सो so आप देख सकते हैं कि नाउ इट इज गेटिंग सिंप्लीफाइड और ये सिंपल अल्जबरा आप खुद कर सकते हैं यू कैन पॉज द वीडियो परफॉर्म दिस दिज एंड वेरीफाई फाइनली द आंसर विल बी द दैल्यू एंड इज पाई एंड दैट इज फाइव सिक्स डबल फाइव अप्रॉक्सीमेटली इन द करेंसी यूनिट्स सो so, हमने यहाँ पर यह देखा कि जो प्रेजेंट वैल्यू है रेवेन्यू इन कांस्टेंट डॉलर वो पर ईयर थ्री थाउजेंड थी और चूंकि टाइम ड्यूरेशन हमने टू ईयर्स का चूज़ किया था इसका मतलब है कि थ्री थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड शुड बी सिक्स थाउजेंड लेकिन जो हमारे पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू आई है वो सिक्स थाउजेंड से कम है एंड इट इज़ फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फाइव एंड दैट इज़ द वेरी जिस्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इट इज़ डिस्काउंटेड एंड इट्स वैल्यू इज यू नो लेसर दैन द अपरेंट वैल्यू जो कि इसके इसमें छः हज़ार है इसकी जगह पाँच हजार छः सौ पचपन हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आई है सो आपने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस जो कि एक पिविटल इम्पोर्टेंस रखता है वैन इट कम्स टू दी एनालिस इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स वी आर एबल टू कैलकुलेट इट by using definite integrals. Thank you.